की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार एक बार फिर से राजधानी में 13 से 17 नवंबर के बीच ऑड इवन नियम लागू करने जा रही है। इस बारे में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में 13 से 17 नवंबर के बीच ऑड इवन नियम लाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जहरीली गैस के बढ़ते असर पर कहा था कि सरकार जल्द ऑड इवन फैसला लाएगी। ये नहीं तो हमारे और आपके और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का बात है, जो जिस तरह का बाहर हम निकलते हैं तो फील हो रही है, अंदर जलन फील हो रही है। जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में जलन फील हो रही है, हम आंखें खोल रहे हैं तो आंखों के अंदर जलन फील हो रही है। इससे ज्यादा और गंभीर स्थिति क्या हो सकती है। मैं अभी वो केशव जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारा समझाया, इससे अच्छा समझाया नहीं जा सकता था। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, हम मानते हैं। नॉर्मल टाइम्स में मान लीजिए आज से महीना भर पहले, अभी ये क्रॉप बर्निंग जो शुरू हुई है ये 25 अक्टूबर के आसपास, 20 अक्टूबर के आसपास हर साल शुरू होती है और ये 15 नवंबर 20 नवंबर के आसपास बंद हो जाती है। तो ये एक महीना बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाता है, केवल दिल्ली दिल्ली नहीं, पूरा उत्तर भारत। सोशल मीडिया पे चल रहा है वो नासा की और सैटेलाइट की इमेजेस चल रही हैं कि किस तरह से लाहौर से लेके पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बहुत सारा हिस्सा पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, केवल अपना दिल्ली दिल्ली नहीं बना हुआ। मीडिया चूंकि ज्यादा दिल्ली में है तो दिल्ली की बात ज्यादा फैलती है, लेकिन आप किसी से भी बात करो सब लोग सारी उत्तर भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सबको मिलके इस दिशा के अंदर काम करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पंजाब और हरियाणा में आग लगने की प्रथा को रोका नहीं जाएगा, दिल्ली हर साल प्रदूषण की समस्या झेलती रहेगी। बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोक लगा जाए। इतना ही नहीं, निर्माण भवन का भी सम्मान ढो रहे ट्रक की एंट्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली। Audio Jungle.